10 बज गए हैं पूरे, और 10 बजे से ये लोग अब जा करके रेडी हुए हैं। ये देख लो भैया, आ गए हम कल वाली जगह पे वापस, तैयारियां भी चल रही हैं। डिस्क्लोज कर देते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये हमारा भंसार है, 8 दिन का लिया है हमने भंसार, ये अमाउंट है। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, ये होटल जिंजर है यहाँ पर लखनऊ में। तो हमारी गाड़ी पूरी पैक हो चुकी है, सामान लग चुका है, और ये लोग ना जो बदतमीज़ बच्चे हैं ये यहाँ के, ये यहीं खड़े रहेंगे, इनको हम लेकर के नहीं जाएंगे। बहुत ड्रामा करा है यार, टाइम देखो ना, 10:30 बज गए हैं पूरे, और 10 बजे से ये लोग अब जा करके रेडी हुए हैं। सारा का सारा काम भी मेरे को ही करना है, कोई काम नहीं करते, आए हैं बाबूजी की तरह, बस बिल भर दिया, काम खत्म, छुट्टी। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ये कौन सा जगह कहलाती है? गोमती नगर में है ये होटल जिंजर, ठीक है जी। चलिए ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं, बने रहिएगा चैनल पर और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहना। ये देख लो भैया, आ गए हम कल वाली जगह पे वापस, तैयारियां भी चल रही हैं, और ये बैठे हैं, ये खाने का काम स्टार्ट हो गया। वही कैफ़े है जिसमें हम कल आए थे, देख लो। ये रे भैया, इन्होंने बोला था कि आज वापस आना, आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट यहीं से करके जाना। वो अलग बात है कि हम इतना ही लेट हो गए कि अब वैसे भी करके यहीं से ही जाएंगे, वरना जल्दी निकल जाते। तो ये देख लो भाई, कल रात में दिखा रहे थे, इतना समझ में नहीं आ रहा था, तो ये आज दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये इनका एड्रेस है, तो भाई अब यहाँ से हमारा है। डिस्क्लोज कर देते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, बहुत टाइम ले लिया आप लोगों का, अब हम जा रहे हैं यहाँ से काठमांडू, सनौली बॉर्डर से होते हुए काठमांडू निकलेंगे। तो अभी हो रहा है 10, हम लोगों को कम से कम लगेगा 7 घंटे के आसपास सनौली तक पहुँचने में, और उसके बाद 7 से 8 घंटे लगेगा हमारे को अप्रॉक्सीमेटली काठमांडू पहुँचने में। तो भाई रात काली होनी है, 1-1.5 बजे पहुँच जाए बहुत है, क्योंकि जब 10 बज चुके हैं, खाना खाते खाते नाश्ता करते करते हमारे को अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम 11 बज जाएगा, जब हम यहाँ से सी ऑफ कर रहे होंगे लखनऊ को। तो 11 बजे के बाद अगर हम यहाँ से निकलते हैं तो भाई 7 घंटे लगेंगे हमारे को, यानी कि शाम को 5 या 6 बजे तक हम बॉर्डर पे पहुँचेंगे। वहाँ पर हम फॉर्मेलिटीज़ कराएंगे, भंसार बनवाना होगा और रोड परमिट वगैरह लेना होता है, वहाँ पर सिम लेना होगा और करेंसी एक्सचेंज करनी है, तो ये कुछ काम होंगे जो वहाँ पर हमारे को करने होंगे। तो लेट्स सी आगे की जर्नी हमारी कैसी रहती है, और मिलते हैं फिर दोबारा। हेलो अवनी, विश यू अ वेरी वेरी मेरी क्रिसमस। भाई देखो लो, नहीं लेट बोल रहे हैं, 1 2 3 कट टू, मैरी क्रिसमस अवनी, और क्या मिला सेंटर से बता तो दो, उठ भी जाओ, गिफ्ट खोल लिया, मम्मी ने बताया था, गिफ्ट तो खोल लिया आपने, क्या मिला वो बता दो। तो जैसा मैंने कहा था, एज यूजुअल 11 बज गया है और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, अब अयोध्या होते हुए यहाँ से हम जाएंगे सनौली बॉर्डर, सनौली बॉर्डर के बाद काठमांडू, जो अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। अभी ये कैफ़े के सामने ही है और यहाँ से निकल रहे हैं, ये हमारी गाड़ी लगी हुई है, ये लोग आ रहे हैं, पेमेंट वगैरह करके फिर निकलते हैं अपना। तो भाई डीजल डलवा लेते हैं, निकल गए थे हम और डीजल भरवा लेते हैं, और देखो यहाँ पर क्रिसमस का कितने अच्छे से पूरा सेलिब्रेशन के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। भाई देखो क्रिसमस की कैप्स भी पहनी हुई हैं इन्होंने, क्या बोलते हैं जो पहनते हैं, सेंटा की कैप्स पहनी हुई हैं प्रॉपर, और डेकोरेशन कितना सही अच्छे से कर रखा है, सारा हर जगह हो रखा है। वहाँ पर भी काम चल रहा था डेकोरेशन का, उनको तो शाम का काम है तो इसलिए वो भी स्टार्ट कर रहे थे, इनका तो भाई 24 घंटे का रहता है, तो इन्होंने सुबह रात को ही कर लिया हो जाता क्या। तो भैया अयोध्या पहुँच गए हैं, राम जन्मभूमि स्टार्ट हो चुकी है,
अब यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 4 घंटे 10 मिनट का रास्ता और रह गया सनौली बॉर्डर का, यानी कि 5 बजे तक हम पहुँच जाएंगे, बट आधा घंटा तो अप्रोक्सीमेटली और लगेगा क्योंकि बीच में एक बार हॉल्ट लेंगे ही लेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली ये मान के चलो कि 5:30 बजे तक तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चेकिंग वगैरह में सब में 1 घंटा 1.5 घंटा और पकड़ के चलो तो हम लोगों को 7 बज जाएगा वहाँ से निकलते। तो अब बाकी का देखते हैं जर्नी, वहाँ से आगे काठमांडू के लिए रास्ता हम कितना कवर कर पाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा वो वहीं जाकर फिर पता चलता है, तब तक बने रहिएगा। तो ये आ गया है रास्ता जहाँ से हमने कट लिया था सनौली के लिए, और यहाँ पर अभी महाराजगंज आएगा उसके बाद सनौली आएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 75 किलोमीटर के आसपास सनौली रह गया है, और वहाँ से हमारे को बॉर्डर पे अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो भी काम था बाकी वो चीज़ करानी होगी, तो उससे पहले महाराजगंज पड़ेगा और फिर सिद्धार्थ नगर और फिर सनौली, इस तरीके से है ये कुछ रास्ता, और ये कुछ गांव वगैरह है शायद पीपीगंज है, ये पीपीगंज बड़ा सही नाम है यार पीपीगंज। तो अब हम लोग रुके हैं ब्लू स्टार ढाबा एंड रेस्टोरेंट करके आई है मेरे जस्ट बैक साइड में, ये देखो, तो यहाँ रुक गया हूँ, खा लेते हैं यार यहाँ से, खा करके फिर निकलेंगे, और अब यहाँ से सनौली पड़ेगा 60 किलोमीटर से, तो 60 किलोमीटर बाद बॉर्डर के पार होंगे 60 किलोमीटर के लिए, मगर हमारे को अप्रॉक्सीमेटली जो टाइम लगेगा वो यहाँ से अभी खाना खाने में आधा घंटा लग जाएगा, 5:30 बन जाएगा मोटा मोटी वही हो जाएगा टाइम। तो भाई खाना हमारा लग गया है, ये सब स्टार्ट हो गए, तो हम लोग पहुँच गए हैं सनौली बॉर्डर के पास, 4 किलोमीटर का है, दोनों तरफ ट्रक्स हैं, लाइन लगी हुई है ट्रकों की, प्राइवेट व्हीकल्स को लाइन मिल जाती है, ट्रक्स वगैरह अपना लोकल में लगे हुए होते हैं बॉर्डर के, कुछ उधर से इधर इधर से उधर जा रहे हैं, तो वो चीज़ है। और सबसे मेन चीज़ जो मैंने इसको इस टाइम पर ये वीडियो शूट करा है वो उसका ये है कि भाई जब भी आप नेपाल के अंदर एंटर करते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखो कि आपको डीजल एक्स्ट्रा या पेट्रोल एक्स्ट्रा कैरी नहीं करके चलना, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा कैरी करते हो तो वहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर पे आपको रोक देंगे, और रोक देंगे तो आपको अलाउड नहीं है कि वो कैन या किसी भी चीज़ में आप डीजल एक्स्ट्रा लेकर के जा सकते हो, जो आपके व्हीकल के अंदर है बस वही ले जा सकते हो, बाकी का एक्स्ट्रा फ्यूल अलाउड नहीं होता, तो वो चीज़ का ध्यान रखें, एक्स्ट्रा फ्यूल अपने साथ ना लेके चलें। बिल्कुल 5 किलोमीटर पहले सनौली बॉर्डर से एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, भारत पेट्रोलियम का है शायद से पेट्रोल पंप, तो यहाँ से भरवा सकते हैं, बाकी बीच में लास्ट में 15-20 किलोमीटर पहले भी थे 2-3 पेट्रोल पंप, तो जो भी है तो वो चीज़ ध्यान रखिए। ये आ गया है सनौली, और अब हम यहाँ से बनवाएंगे रोड परमिट और भंसार, ये बिल्कुल बॉर्डर ही है, ट्रक यहाँ ज़्यादा लगे हुए हैं भाई, जगह इतनी मिलती नहीं है। ये अभी पीछे ना लैंड कस्टम बैरियर था, और इसके आगे कस्टम्स की क्लियरेंस लेनी पड़ती होगी, ये जो प्राइवेट कॉमर्शियल व्हीकल्स होते हैं सब जो भी हैं, पेपर आगे गया हमारा बंदा। बात करी भी है उन्होंने किसी से? हाँ पहुंच गए आगे, वो आगे जा रहे हैं ना, ये गाड़ी है आगे आगे बनवा देंगे, पार्किंग में डाल लीजिएगा भैया, पार्किंग में। तो भाई यहाँ पर पार्किंग में अब हमारे को लगानी है, और यहाँ से अब हमारा भंसार का होगा काम स्टार्ट, रोड परमिट का और सब चीज़ों का।
ये हमारा भंसार है, 8 दिन का लिया हमने भंसार। ये अमाउंट है। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अब हम लोगों ने भंसार ले लिया है और सिम ले लिया है, एनसेल का सिम लिया है, जिसमें 1 GB इंटरनेट डेली मिलेगा हमारे को 7 दिन तक, और एक हमने 20 GB का एक्स्ट्रा डाटा प्लान ले लिया है जो 400 रुपये का है। सिम हमारा है 350 रुपये का, और ये INR में है, नेपाली करेंसी में नहीं है। तो और यहाँ पर नेपाली करेंसी भी मिल जाती है 1.5, 7, 1.6, डिपेंड करता है कि क्या है, 1.5 तक तो मिल ही जाएगी आपको कन्वर्जन रेट। ये रोड परमिट है 1310 रुपीज़ का है, और बाकी ये आपका भंसार तो बना ही लिया था हमने, तो ये भी हो गया। अब ये भी बन गया आपका। बने रहिएगा चैनल पर और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहना।